हेलो एवरीवन, सो हम क्या पढ़ रहे थे? बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी को कवर कर रहे थे, जिसमें पेपर 1 को हम देख रहे थे। यूनिट 1 हमने कवर कर ली है पूरी तरह से। अब यूनिट 2 पर हम फोकस कर रहे थे, जिसमें जो कि वेक्टर्स एंड पेस्ट नाम की यूनिट है, जिसका हमने पहला टॉपिक गुंडीबग कवर कर चुके हैं, और आज हम शुगर केन लीफ हॉपर को पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आता है हमारा टॉपिक क्या है आज का, शुगर केन लीफ हॉपर। जो शुगर केन लीफ हॉपर है, इसका साइंटिफिक नेम है पायरेला पपुसेला। तो द शुगर केन लीफ हॉपर पायरेला इज एन आर्थ्रोपोड विच अफेक्ट्स द शुगर केन क्रॉप। ये लाइन का मतलब है कि ये जो शुगर केन लीफ हॉपर है, ये आर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग करता है, और ये किस क्रॉप को अफेक्ट करता है? शुगर केन को, जैसे कि इसका नाम बताता है, शुगर केन लीफ हॉपर। तो सबसे पहले इसकी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, एंड देन वी विल स्टडी इट्स लाइफ साइकिल एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो देखते हैं फाइलम क्या है इसका। आर्थ्रोपोडा, यानी ये भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। क्लास क्या है? इंसेक्टा, यानी ये भी एक इंसेक्ट है। ये भी क्यों कह रही हूँ बार बार मैं? क्योंकि हम गुंडीबग को पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, वेक्टर्स एंड पेस्ट की यूनिट 2 की, तो इसलिए हम ये भी कह रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आता है इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर है हेमिप्टेरा, एंड इसकी फैमिली क्या है ये आप खुद बताएंगे। जीनस है इसका पायरेला, स्पीशीज़ है इसकी पपुसिला। हमने पायरेला और जीनस और स्पीशीज़ को अंडरलाइन क्यों कर रखा है, और जीनस का पहला लेटर कैपिटल और स्पीशीज़ का पहला लेटर स्मॉल क्यों बना रखा है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये सारे रूल्स हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के। अब देखते हैं हम पायरेला पपुसिला यानी शुगर के लीफ हॉपर की लाइफ साइकिल को। सो पायरेला इज़ अ मोनोजेनेटिक इंसेक्ट, यानी कि मोनो मींस होता है वन, जेनेटिक मींस होता है लाइफ साइकिल, यानी ये अपनी लाइफ साइकिल को जो है सिर्फ एक ही होस्ट पे, मोनो मींस वन, एक ही होस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल को जो है ये कंप्लीट कर देता है, यानी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही होस्ट पे ये डिपेंड रह सकता है। अब आगे देखते हैं, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन वन प्लांट दैट इज़ शुगर केन। यही तो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि पायरेला इज़ अ मोनोजेनेटिक इंसेक्ट दैट इज़ वन होस्ट प्लांट पैरासाइट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ से रियल लाइफ साइकिल शुरू हो रही है। पहले हमने दो जर्नल पॉइंट इसके देख लिए। सबसे शुरू में क्या होता है? कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर। वैसे तो ये थ्रू आउट द ईयर होती है, लेकिन मोस्टली सितंबर टू दिसंबर होती है। सेकेंड पॉइंट, एग फॉर्मेशन एंड एगलिंग। वन फीमेल कैन ले 300 to 400 एग्स। एक फीमेल जो है पायरेला पपुसिला की, वो 300 to 400 एग्स ले कर सकती है। ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, यानी कि गन्ने की यानी शुगर केन की लीफ के लोअर सरफेस पे ये एक फीमेल शुगर केन लीफ हॉपर की 300 to 400 एग्स ले कर सकती है एट अ टाइम। ड्यूरिंग समर यानी अप्रैल सीजन में, एंड इनसाइड द लीफ शीट्स ड्यूरिंग विंटर अक्टूबर टू नवंबर। यानी अप्रैल में, समर्स में, और लीफ शीट्स के अंदर विंटर्स में अक्टूबर टू नवंबर ये एग लेइंग का प्रोसीजर होता है। अब हम एग्स की अपीयरेंस की बात करते हैं कि जो शुगर केन लीफ हॉपर है, इसके एग्स अपीयरेंस में कैसे दिखते हैं। तो एग्स आर वाइट, ओवल एंड समटाइम ग्रीनिश। सो एग्स कैसे होते हैं? एग्स होते हैं वाइट। एग्स कहते होते हैं, दिख ही नहीं रहा है तो अच्छा ठीक है। यह एग्स कैसे होते हैं? ओवल और वाइट होते हैं, ठीक है। समटाइम्स कैसे हो सकते हैं? ये ग्रीनिश कलर के भी एग्स हो सकते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड इसलिए बनाया था कि ये वाइट ओवल एग जो है, वाइट ओवल एग जो है वो क्लियरली विजिबल हो सके, ठीक है। हमने देख लिया, एग्स आर वाइट, ओवल एंड समटाइम्स ग्रीनिश इन कलर। अब आगे देखते हैं, अब एग ले हो चुके हैं, एक फीमेल ने 300 to 400 एग्स एट अ टाइम ले कर सकती है। किस टाइम्स में देती है? विंटर में और समर में, वो देख लिया हमने। एग्स की अपीयरेंस के बारे में देख लिया। अब देखते हैं हैचिंग ऑफ एग्स। ना हैचिंग ऑफ एग्स, एग्स निम्फ रिलीज करते हैं। कितने दिन बाद हैचिंग होने के प्रोसीजर है ये, जिसमें एग्स क्या होते हैं, निम्फ को रिलीज करते हैं। कितना टाइम लगता है? 7 to 22 डेज समर में, और ये जो टाइम है रिलीज़ होने का, एग्स के हैच होने का, ये विंटर्स में थोड़ा बढ़ जाता है। तो समर्स का टाइम हमें पता है एक्यूरेटली कि समर्स में ये 7 to 22 डेज लग जाते हैं एग को हैच होने में और निम्फ के फॉर्मेशन में। जो एग्स होते हैं वो हैच करके एक यंग बॉडी बनाते हैं, जैसे निम्फ कहते हैं, और निम्फ फिर एडल्ट में डेवलप होता है। अब ये निम्फ्स जो है, इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? तो ये डर्टी वाइट कलर के होते हैं, गंदे सफ़ेद गंदे कलर के होते हैं, एंड सक सेल सैप फ्रॉम लीफ ऑफ शुगर केन। इसलिए तो इन्हें लीफ ऑफ शुगर केन पर ले करके गई थी ये शुगर केन लीफ हॉपर, ताकि ये सेल सैप पर फीड कर सकें और ये ग्रो कर सकें।
तो ये कैसे होते हैं? निम्स की अपीयरेंस क्या बताई है कि डर्टी वाइट कलर के होते हैं, और ये क्या खाते हैं? ये सेल सैप को सक करते हैं, यानी सेल सैप को चूसते हैं फ्रॉम लीफ ऑफ शुगर केन। नाउ आता है एग्स हैं, एग से निम्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, उनकी अपीयरेंस हम देख चुके हैं। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट में डेवलपमेंट ऑफ एग्स। अब इन एग्स की डेवलपमेंट कैसे होती है? तो एग्स की डेवलपमेंट की बात करें तो निम्फ से बनेगा एडल्ट्स एग, एग से बना निम्फ, निम्फ, निम्फ एंड निम्फ से बनेगा एडल्ट। और निम्फ से एडल्ट बनने के प्रोसेस को हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्या कहते हैं? मेटामोफोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामोफोसिस, लिख लेना अपने आप। अब इसमें क्या होता है, मेटामोफोसिस के प्रोसेस में क्या होता है? मोल्टिंग होती है। तो कितनी मोल्टिंग लगती हैं इसे फॉर्म होने के लिए? 5 मोल्टिंग्स लगती हैं, और 6 से 8 हफ्तों का समय लगता है समर में, और 4 महीने का समय विंटर्स में लगता है। यानी विंटर्स में जो प्रोसीजर है वो टाइम जो है ज़्यादा ही बढ़ जाता है। यानी ये जो डेवलपमेंट होती है इनकी, यानी एग हैच होने का टाइम बढ़ जाता है और निम्फ से एडल्ट होने का भी टाइम बढ़ जाता है। तो समर में क्या होता है, 6 to 8 वीक्स लगते हैं निम्फ को एडल्ट बनने में। 5 मोल्टिंग के स्टेज ही लगेंगे समर और विंटर दोनों में, लेकिन टाइम बढ़ जाएगा बस। समर में कितने होंगे? 6 to 8 वीक्स, वेयर विंटर में 4 मंथ्स। ठीक है, अब देखते हैं लाइफ स्पैन कितना है। जो फीमेल है उसका लाइफ स्पैन है 5 to 8 वीक्स। ये पूरी जिंदगी का समय है लाइफ स्पैन, ये वो टाइम पीरियड होता है जितना एक फ्रॉम बर्थ टू डेथ जो लाइफ इंसान ऑर्गेनिज्म स्पेंड करता है ऑन अर्थ, उसे कहते हैं लाइफ स्पैन। यानी पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एट इट्स लाइफ स्पैन। सो फीमेल का लाइफ स्पैन होता है 5 to 8 वीक्स, वेयर इज मेल का लाइफ स्पैन होता है 5 to 7 वीक्स। आगे देखें, अब हम लाइफ साइकिल को देख चुके हैं, एक बार डायग्राम से और देख लेते हैं। देखो इसका जो सेल सैप कैसे सक करते होंगे निम्फ, क्योंकि देखो एडल्ट में ही ये कैसे बने हुए हैं, एकदम पॉइंटेड वो बने हुए हैं, ताकि क्योंकि इनका काम ही क्या है, मेनली सक करना, यानी चूसना ही इनका काम है। ठीक है, तो क्या होता है, एडल्ट है, एडल्ट हो कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन, फीमेल एग, एक फीमेल 300 to 400 एग ले करेगी शुगर केन की लीफ पे, 300 to 500। फिर हैचिंग होगी 7 to 22 डेज के बाद, एग हैच करके क्या बनेंगे, निम्फ बनेंगी, और 5 मोल्टिंग के बाद एक एडल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो लाइफ साइकिल हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं पायरेला पपुसिला या फिर शुगर केन लीफ हॉपर की। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है इस डिज़ीज़ का। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो एग मासेस शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड, यानी जहाँ पे एग ले करके गई होगी ये शुगर केन लीफ हॉपर, उन एग्स को ही कलेक्ट कर लो और उन्हें ही डिस्ट्रॉयड कर लो, ताकि फ्यूचर में और ना बने। ये उन्हें क्या करो, तो जला सकते हो या फिर स्प्रे कर सकते हो। कैसे, क्या स्प्रे करोगे? फिनाइल वाटर का स्प्रे कर सकते हो। एग को तुमने कलेक्ट कर लिया, अब तुम इन एग्स को डिस्ट्रॉय कैसे करोगे? इन्हें जला दो या फिर इन पर फिनाइल वाटर स्प्रे कर दो। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन शुड बी बैलेंस्ड इन सॉइल, यानी कि जो सॉइल है जिस पे ग्रो कर रहा है हमारा शुगर केन का क्रॉप, उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट रेजिस्टेंस, ये RESIS के बाद डॉट इसलिए लगाए क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, रेजिस्टेंस लिखा है ये। रेजिस्टेंट शुगर केन वेराइटीज शुड बी यूज, यानी कि जो शुगर केन की वेराइटी, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड हमें क्रॉप यूज़ करनी चाहिए, यानी मॉडिफाइड जो वेराइटीज़ हैं शुगर केन की वो यूज़ करनी चाहिए। और कुछ मॉडिफाइड वेराइटी शुगर केन की लिख रखी हैं CO.385 एंड CO.0238। फोर्थ आता है रटून क्रॉप शुड बी अवॉइडेड, यानी कि बेकार क्रॉप्स को अवॉइड करना चाहिए ग्रो करने से। फिफ्थ पॉइंट कहता है डस्ट इन्फेस्टेड क्रॉप बाय BHC। ठीक है, यानी जो क्रॉप है आपको उस पर स्प्रे कर दो BHC का, ताकि ये अटैक ही नहीं कर पाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, स्प्रे कर दो इंसेक्टिसाइड का, वो ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। तो ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के टोटल 6 पॉइंट्स हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो लिख सकते हैं, जो याद हो जाए तो ज़्यादा पढ़ के जाओ कम याद होंगे वो भी लिख सकते हो। सो हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने आज का हमारा टॉपिक था पायरेला पपुसिला या फिर शुगर केन लीफ हॉपर। शुगर केन लीफ हॉपर में हमने क्या देखा आज, शुगर केन लीफ हॉपर में हमने देखा उसकी लाइफ साइकिल देखी और उसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखी विद इट्स क्लासिफिकेशन, इसकी क्लासिफिकेशन देखी, इसकी लाइफ साइकिल देखी और इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखी। यानी हमने आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है।